अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं तैयार हो चुकी हूँ, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल में है एक छोटा सा इवेंट जिसके अंदर मुझे पेरेंट्स को बुलाया गया है। बच्चों के साथ अपनी रिसेस अटेंड कर सकते हैं वो। अब हम जा रहे हैं स्कूल, और स्कूल जाके देखते हैं कि आज स्कूल में कैसा इवेंट हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। मेरे बच्चे अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूल्स कैसे होते हैं। वैसे तो हर स्कूल डिफरेंट होता है, ये एक बड़ा स्कूल है। इसमें सबसे पहले एंटर होते ही बना हुआ है प्री स्कूल। हर पब्लिक स्कूल में प्री स्कूल नहीं हो सकता, काफ़ी कम स्कूल्स में प्री स्कूल होता है, पर इस स्कूल में प्री स्कूल बना हुआ है। और ये हम स्कूल के अंदर एंटर हो चुके हैं, और एंटर होते ही हमने देखा कि बहुत सारी चेयर्स लगी हुई हैं जहाँ पे पेरेंट्स आके बैठ सकते हैं। उसके बाद हम एक एरिया में चले गए जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं बास्केटबॉल। और उसके बाद हम सेकंड एरिया की तरफ जा रहे हैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ढूंढना बहुत मुश्किल है, स्कूल काफ़ी बड़ा है। तो मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ कि कहीं से मेरे बच्चे मिल जाएँ, और वो किसी भी एरिया में अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। तो इस ऑस्ट्रेलिया में तमाम स्कूल्स में एजुकेशनल वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, और एजुकेशनल वीक इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन को पब्लिक किए हुए 175 इयर्स हो चुके हैं। और इसकी सेलिब्रेशन में आज बच्चों को एडवाइस किया गया था कि अगर आप चाहते हैं तो आप उसके लिए ओल्ड एज ग्रैंड पेरेंट्स की तरह अपने ड्रेसअप हो सकते हैं, ओल्ड पर्सन की तरह, क्योंकि ये इतना एजड हो चुका है इनका पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। तो इस वजह से आज काफ़ी सारे बच्चे आपको स्कूल के यूनिफॉर्म में नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे मेरी बेटी मुझे नज़र आ चुकी है, और बेटा भी नज़र आ चुका है, और यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं मुझे अपना इंटरव्यू देने के लिए। और यहाँ पे स्कूल की वाइब इतनी अच्छी है कि ऐसा फील हो रहा है मस्त माहौल थे, मीठे चौल, बच्चे मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। और ये बच्चा बिल्कुल अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह ड्रेसअप हो के आया प्रॉपरली, और बहुत सारे और बच्चे भी ऐसे ही तैयार होके आए थे, और उसके बाद यहाँ पे प्ले कर रहे थे। यहाँ पे कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं दी जाती बच्चों को, और फिज़िकल स्ट्रेस तो है ही नहीं। और उसके बाद ये टीचर्स हैं जो लोगों को चीज़ें सर्व कर रहे हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्थ मोबाइल डेंटल प्रोग्राम चलता है, जिसके तहत यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, डेंटिस्ट आते हैं, और वो बच्चों का चेकअप करते हैं, उनके टीथ का चेकअप करते हैं, और चेकअप करने के बाद रिपोर्ट्स घर सेंड कर देते हैं। इसके बाद मैंने अपने बच्चों से ले ली है इजाज़त, और मैं जा रही हूँ घर की तरफ। और ये मैं रास्ते में देखती हुई जा रही हूँ कि बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैसे ड्रेसअप होके आए हैं। इनकी वाइब बहुत अच्छी थी, आज मौसम बहुत प्यारा था। इसके बाद हम जा रहे हैं अपने घर, और मैं आपको दिखा रही हूँ रास्ते का व्यू, क्योंकि आज बहुत खूबसूरत मौसम था। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है, यहाँ पे ट्रीज़ अपना कलर चेंज कर लेते हैं। घर आने के बाद काफ़ी कम टाइम बचा था, तो फिर मैंने फ़ौरन से अपने दिमाग की बत्ती जगाई, और अपने अंदर के संजीव कपूर को ज़िंदा किया, और फ्रिज से लेफ़्ट ओवर चीज़ें निकाली। जितने भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें पड़ी हुई थी उनको यूज़ करते हुए मैंने बना लिया था एक खूबसूरत सा अच्छा यमी सा सैंडविच। और ये चिकन स्टेक सैंडविच है, मेरे पास लेफ़्ट ओवर स्टेक पड़ी हुई थी, क्यूकम्बर्स पड़े हुए थे, मेयर पड़ी हुई थी, और जितनी भी सॉसेज अवेलेबल थी सारी मैंने इसके अंदर डाल दी थी, इसीलिए ये सैंडविच बहुत मज़े का बना था। जो भी कुछ लेफ़्ट ओवर था सब मैंने डाल के सैंडविचेस तैयार कर दिए थे। और फिर उसके बाद मुझे लेना था एक फोटोजेनिक इफेक्ट, इसके लिए मैंने सैंडविच को कट कर दिए थे, और उसके बाद मैं प्लेट को घुमा घुमा के इसकी बेहतरीन सी वीडियो बना रही थी, लेकिन उसमें भी मैं नाकाम हो चुकी थी। उसके बाद मैंने प्लेट में थोड़ा और मज़ा लाने के लिए इसके अंदर डाल दिए थे गार्लिक ब्रेड, जो कि मैंने एयर फ्रायर में टोस्ट कर ली थी, और उसके ऊपर मैं डाल रही थी बारबेक्यू सॉस, ताकि मैं इसको बारबेक्यू सॉस के साथ इंजॉय कर लूँ। सैंडविच के साथ इतना टाइम ज़ाया करने के बाद मुझे अचानक से याद आया कि मेरे हस्बैंड तो सैंडविच नहीं खाएंगे, और उनको तो देसी खाना खाना है, इसलिए मैंने फटाफट बना ली थी मटन कढ़ाई। इसकी कोई डेफिनेट रेसिपी नहीं है, मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, उसने मुझे एक बहुत ही क्विक रेसिपी बताई, और मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड कुकर का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर मटन और सब कुछ इकट्ठा डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसको भून लिया था सब मसालों के साथ, और इसके साथ मैंने बनाए थे घर के गर्मा गर्म फुलके। और उसके बाद हो चुकी है शाम, और ये शाम का टाइम है, और मैं अपने बाकी दिन के काम कर रही हूँ। मैंने अपना डिशवॉशर ऑन कर दिया है,
उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी काम वाली को चेक करने कि अवेली निकम्मी कितने पे ही फिरी जाती है। इसके बाद मैंने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए काम वाली को चार बातें सुनाई और ये सोचकर वो दिल बर्दाश्ता होकर कमरा छोड़ के बाहर चली गई। उसके बाद मैंने अपना किचन कर लिया है हमेशा की तरह साफ़ और स्पंज मेरे ऊपर फिर से मुस्कुरा रहा है, जिसका मतलब है कि मैंने किचन अच्छा साफ़ किया है। इसके साथ ही आज का ब्लॉग कमेंट करते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।